भगवान कृष्ण के ये उपदेश हैं सफलता की कुंजी। सफल जीवन के लिए आज ही अपनाएं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है। गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बातें कही जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। मृत्यु अटल है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है, ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधा भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये तीन प्रकार के अवगुण हैं जो सीधा नरक के द्वार पर ले जाते हैं, इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मशक्ति को छिन्न करती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते।